नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान मिश्रा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। आइए नजर डालते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान चंदौली का जनपदीय कार्यकर्ता सम्मेलन, मुख्य अतिथि माननीय प्रदेश अध्यक्ष व विधायक शैलेंद्र कुमार सिंह सेलू के उपस्थिति में सकुशलता पूर्वक सम्पन्न कराया गया। रिपोर्टिंग सुजीत कुमार चंदौली। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश विश्वकर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री शैलेंद्र कुमार सिंह सेलू प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा राम नरेश भारतीय जी, प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल कलाम अंसारी, प्रदेश प्रवक्ता के सिंह, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रमा श्रीवास्तव, प्रदेश मंत्री शिवम राय, रामू स्वामी, आनंद दुर्गेश वाजपेयी, नीलम सिंह, रीना सिंह, जिला अध्यक्ष अयोध्या करमवीर सिंह, जिला अध्यक्ष रायबरेली सूरज सिंह, जिला अध्यक्ष काशी सोनू वर्मा आदि पदाधिकारी के मौजूदगी में कार्यकर्ता सम्मेलन। सर, ये जो योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पूरा कार्यक्रम प्रदेश भर में चल रहा है या पर्टिकुलर यहीं पे है? नहीं नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में, पूरे देश में, पूरे हम लोग उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में इसका कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू की गई सभी योजनाएं 2014 से लेके अब तक उनका प्रचार प्रसार, लोगों को उनका लाभ दिलाना। खाली प्रचार प्रसार नहीं है, हम लोग जा करके हमारे लोग उनका उनको लाभ दिलाते हैं, की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं, चाहे जो भी योजनाएं हों। अब तो सैकड़ों योजनाएं हैं जिनकी हम अगर यहाँ चर्चा करेंगे तो आपके साथ भी उलझ जाएगा। सर, चंदौली में आने का क्या उद्देश्य रहा? लोगों से संपर्क, हम तो इस समय काशी क्षेत्र के भ्रमण पे हम लोग हैं, तो हर जगह अभी हमारा रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, उसके बाद आपके यहाँ बनारस, यहाँ चंदौली, अभी हमारा है आजमगढ़, आपके यहाँ और मिर्जापुर। लाभ दिलाने के लिए आप लोग लिख के ले जा रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? हमारे लोग हैं यहाँ पे जिनको लाभ नहीं मिला है, अगर पात्र व्यक्ति हैं तो उनको चाहे डीएम से कहना पड़े, चाहे प्रदेश स्तर पे कहना पड़े, ब्लॉक पे, आपके यहाँ तहसील पे, जहाँ भी हो वहाँ पे कह करके कि उनका लाभ दिलाया जाए। आपके यहाँ आवास की सुविधा है, शौचालय आपको मिल रहा है, पेंशन आपको मिल रहा है, किसान सम्मान निधि आपको मिल रहा है, आप आयुष्मान के कार्ड का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका लाभ उनको मिल रहा है, इन सब चीज़ों की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। अपने लोग योजनाओं में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके बारे में क्या करेंगे? ऐसा कहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं, अधिकारी जो लिप्त हैं उनको जरा भी सूचना आप दीजिए, कोई भी हो, हम तो सीधे स्पष्ट कहते हैं उनके खिलाफ सख्त से कठोरात्मक कार्रवाई हो। अगर इस तरह से अगर कोई सामूहिक रूप से पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हम लोग भी कर सकते हैं और लोग भी कर सकते हैं और प्रशासन भी कर सकता है। आप जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जैसा कि खुद ही कहते हैं जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई भी कोरोना गाइडलाइन की फॉलोअप नहीं हो रहा है, कोई भी फॉलो नहीं हो रहा गाइडलाइन, न कोई मास्क पहना, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग, न कुछ ही नहीं, कुछ ही नहीं। ये तो लोगों की जागरूकता की बात है भाई, हम लोग जिसे कहें ये तो आप भी हो, जैसे हमारे यहाँ आपके साथ खड़े नहीं पहने हैं, इससे ये तो अलग चीज़ हो गई ना, ये तो हमारा व्यक्तिगत है। हम ये थोड़े कि अगर हम नियम बनाए हैं, अगर बहुत चीज़ें हैं कि आदमी काम करने का, जितने कानून बनते हैं तो कुछ ना कुछ तो कानून तोड़ने वाले भी उसी में आ जाते हैं, तो हम लोग पकड़ के थोड़ी के पकड़ के उनको सजा देते हैं, हम उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हाँ तो कह तो रहे हैं भाई, गम घूम के कहने के लिए, चर्चा करने, बात करने का, कि उनको भाई जागरूक करने का, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से कह के हो, चाहे लिखित हो, चाहे मंच माध्यम से, कि भाई उनको कि हमारे जो नियम है तब तक उसका पालन किया जाए और दूरी बना के रखिए, आपके यहाँ मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, हाथ धुलने का काम करिए, ये सब चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, धन्यवाद।